बार बार जो हम कलर करते रहते हैं अपने बालों में और केमिकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो बालों को बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान को बचाने के लिए ये टोनर जो है वो मैजिक का काम करेगा। इस टोनर को बनाने के लिए मैंने कोई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। कि अगर आपके बाल खराब हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, आप बार बार टूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं और गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं सिर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसको ट्राई ज़रूर करें। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तलीजा आपके लिए आज लेके आई हूँ एक इतनी बढ़िया रेमेडी जो है टोनर, हेयर टोनर बनाया है मैंने जो बालों के लिए, वो बार बार जो हम कलर करते रहते हैं अपने बालों में, बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और केमिकल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो बालों को बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान को बचाने के लिए ये टोनर जो है वो मैजिक का काम करेगा। इस टोनर को बनाने के लिए मैंने कोई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है और वो तीनों चीज़ें बालों की ग्रोथ में, बालों में चमक लाने के लिए, बालों में मजबूती लाने के लिए और झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए, गंजा होने से रोकने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं गुड़हल। गुड़हल के फूल भी ले सकते हैं आप, गुड़हल के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने जो गुड़हल के पत्ते ही लिए हैं इस बार, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती क्योंकि फूल कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं, तो मुझे जो है गुड़हल के पत्ते मिल गए थे। और अगर आप भी ढूंढेंगे तो गुड़हल के पौधे अक्सर लगे होते हैं कहीं इधर उधर पार्क में या किसी पड़ोसी के घर में या किसी रिश्तेदार के घर में, तो वहाँ से सिर्फ 8-10 पत्ते ही लेने हैं गुड़हल के, वो पत्ते ले लीजिए। और गुड़हल के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप हैरान रह जाएंगे सुन के। गुड़हल बालों को घना करता है, इसमें विटामिन सी जो होता है वो बालों को घना करने में मदद करता है और इससे बाल मजबूत होते हैं, ताकत मिलती है, हेल्थ अच्छी होती है, बाल लंबे होते हैं, डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है, रूखे बालों में चमक आ जाती है। मैंने 1 लीटर पानी में 8, 10 या 12 पत्तियाँ गुड़हल के पत्तों की धो के अच्छी तरह से इसमें उबलते हुए पानी में डाली हैं। इसके बाद जो मैंने लिया है वो प्याज के छिलके। प्याज जो हम छीलते हैं, मोटे वाला छिलका नहीं, उसकी जो पतली लेयर होती है, ऊपर वाले पत्ता होता है जो सूख चुका होता है और वो कागज़ जैसा हो जाता है पिंक कलर का, वो वाले मैं जो है सब्जी की दुकान पे गई थी लेने के लिए सब्जी, और वहाँ पे प्याज वाली टोकरी से मैंने छांट लिए थे, उसमें से निकाल लिए थे और ले आई थी। मैंने यहाँ पर करीब 1 मुट्ठी प्याज के सूखे हुए पत्ते जो हैं वो मैंने ले लिए हैं और उस पानी में मैं डाल रही हूँ। और प्याज जो है इसमें जो सल्फर पाया जाता है वो सल्फर बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, जिससे बाल गुच्छे के गुच्छे निकलते नहीं हैं। प्याज की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उससे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो होती है प्याज की, वो हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। इसके बाद मैंने लिए हैं 8-10 पत्ते अमरूद के, अमरूद के ताज़ा हरे पत्ते। बालों के एंड्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, 2 मुहे हो जाते हैं, उसके लिए अमरूद की पत्तियों का रस या अमरूद की पत्तियों को उबाल के जो उसका टोनर लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बालों का झड़ना कम हो जाता है और सिर में अगर जुएं हैं तो वो भी, बच्चों के सिर में अगर जुएं हैं तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। और बालों में अगर ऑयल बहुत ज़्यादा है, चिपचिपे से रहते हैं, तो इस अमरूद की पत्तियों के बहुत अच्छे से लाभ मिलेंगे। 8-10 पत्ते मैंने अमरूद के ले लिए हैं और वो भी इस पानी में मैं उबलने के लिए डाल रही हूँ। इन सबको उबालना है और तब तक उबालना है जब तक पत्तों का रंग, सभी तीनों पत्तों का रंग जो है बदल ना जाए और उसका सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो उबलते हुए पानी में ना आ जाए, तब तक इसको उबालते रहना है। और फिर इसको गैस बंद करने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको छान के किसी बर्तन में या स्प्रे बॉटल में या पंप बॉटल में डाल के रख लें और इसको हर रोज़ बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन करके उसमें स्प्रे कीजिए या पंप बॉटल से थोड़ा थोड़ा करके या कॉटन की हेल्प से भी आप इसको बालों की जड़ों में लगा सकते हैं और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ दें। और सूखने के बाद ये है, इसको आप नॉर्मल कंघी कर सकते हैं, बाल बिल्कुल नॉर्मल ही दिखेंगे, उसमें ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि बालों में कुछ लगाया हुआ है।
अब आते हैं कि इसके इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। वो सबसे पहला ये है कि इसको लगाना कितनी बार है हफ्ते में। तो हफ्ते में अगर आप रोज ही रात को लगा लेंगे और फिर ड्राई करके सो जाएंगे, सुबह कंघी हो जाएगी आराम से, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इसको लगा कौन सकता है, इसको आप 12 साल की उम्र के बच्चे के सिर में भी लगा सकते हैं और ऊपर की लिमिट तो कोई नहीं है। इसको लेडीज़ भी लगा सकती हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप जो है एक हफ्ते में अगर 3 या 4 बार भी इसको लगाएंगे तो एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आपकी बालों की शक्ल ही बदल जाएगी और जो गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई करेंगे, आप मन से अपनी इच्छा से इंटरेस्ट लेके इसको बनाएंगे और यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पर इस टोनर को एक बार बनाने के बाद आप 2 हफ्ते तक इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार में कितना लगेगा वो आपके लेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है, या आपकी डेंसिटी, बालों की, बाल कितने घने हैं उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार में कितना लगेगा। तो आप ये कोशिश करें कि सभी रूट्स जो है पूरा का पूरा स्कैल्प अच्छी तरह से एक बार गीला हो जाए उससे, और फिर उसको लगाना बंद कर दें और आधे घंटे में पौने घंटे में सूख जाएगा, पंखे के नीचे सुखा लें और फिर उसके अंदर कंघी कर लें। तो ये थी आज के हेयर टॉनर की जानकारी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।